Hello all and welcome to our channel Holistic Facts. Let's start with the Hindu news analysis dated 18th October 2019. And today's questions are, first, which of the following is true with respect to implementation of Jammu and Kashmir Reorganisation Act of 2019? There will be 9 union territories and 28 states. B. 2 new union territories with legislature will be formed. C. Article 370 will be inoperative. D. None of the above. Which of the following is the highest mountain peak in India? A. Kanchendzonga, B. K2, C. Mount Everest, D. Nanda Devi. Which of the following is true about Financial Action Task Force? A. It was established by the initiative of G7 countries. B. India is a member country. C. It was established in 1989. D. All of the above. So, abhi hum news analysis ki taraf badhte hain. Pehli aaj ki news hai, Britain clinches Brexit deal with यूरोपियन यूनियन. तो अभी एक नई डील जो है वहाँ पे पहुँच चुके हैं ब्रेग्जिट के लिए. तो यहाँ पे हम इन टोटल यूरोपियन यूनियन और ब्रेग्जिट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. तो यूरोपियन यूनियन इज़ अ पॉलिटिकल ट्रेड एंड इकोनॉमिक यूनियन फाउंडेड इन 1957 एंड इट इवॉल्व ओवर डेकेड्स एंड रीच्ड इट्स प्रेजेंट मॉडल इन 1992. तो टोटल 51 कंट्रीज है यूरोप में, जिनमें से सिर्फ 28 कंट्रीज है जिन्होंने ये ट्रीटी साइन की है और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने हैं. Then European Union Treaty provided for a European Parliament and a European Council. Or European Union members account for 16% of the imports and export, world ka import and export. And it is the largest trading bloc, even leaving behind the USA. So Brexit kyun ho raha hai? Theek hai, ab Brexit ka matlab kya hai? Ki Britain ko European Union se exit karna hai. Theek hai, isliye isko Brexit bola gaya hai. और ब्रेग्जिट ये पहली बार ऐसी टर्म कॉइन नहीं की गई है. ग्रीस का जब चल रहा था कि यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करना है तो उसको ग्रेग्जिट बोला गया था, उसी के लाइंस के ऊपर ये नाम रखा गया है. बट इवेंचुअली ग्रीस ने एग्जिट नहीं किया था यूरोपियन यूनियन से. ठीक है, बट ब्रिटेन इज ट्राइंग वेरी हार्ड. तो क्यों? तो जो लीव कैंपेन है दैट आर्ग्यूज दैट ब्रिटेन इज लूजिंग आउट अ बिग डील बाय स्टेइंग इन द यूरोपियन यूनियन, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर पा रहा है. सारे ट्रेड जो है यूरोपियन यूनियन के थ्रू हो रहा है. ठीक है, तो डायरेक्ट ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकता था, अब डायरेक्टली उतना नहीं कर पा रहा है. इट हैज़ टू पे मिलियंस ऑफ पाउंड्स ईच वीक एज अ कंट्रीब्यूशन टू द यूरोपियन बजट. द एक्सट्रीमली ब्यूरोक्रेटिक नेचर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट इज हर्टिंग ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स एंड माइग्रेशन फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन इन टू ब्रिटेन इज क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस इन द वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द यूके गवर्नमेंट. तो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और यूरोपियन यूनियन के अंडर जितने भी सिग्नेटरी मेंबर्स हैं उनके अंदर माइग्रेशन फ्री माइग्रेशन है. ठीक है, देन अब इसका बैकड्रॉप एक ये है कि एक रेफरेंडम हुआ था कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए या नहीं. उसके लिए तो उस रेफरेंडम का क्या मतलब होता है कि जो भी जनता है, जो भी पॉपुलेशन है, उनका यहाँ पे वोट लिया जाता है. तो रेफरेंडम किया गया था 2016 में और रेफरेंडम से ये पता चला था बाय जस्ट 51.9% ऑफ द वोट्स कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करना चाहिए. और 1957 मतलब जब से यूरोपियन यूनियन को फाउंड किया गया है तब से ब्रिटेन विल बी द फर्स्ट मेंबर टू एग्जिट, अगर ये एग्जिट अच्छे से पॉसिबल हो जाता है तो. तो अभी बात चल रही थी कि ब्रेग्जिट के लिए क्या डील हो सकती है, कि यूरोपियन यूनियन को कितना मनी पे करना पड़ेगा या फिर पूरा ट्रेड का यूरोपियन यूनियन का क्या हिस्सा है. वो सारी डील जो है वो रीच नहीं हो पा रही थी. ठीक है, बट अब सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे वो आ गए हैं. अब पूरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्या है वो बताई नहीं गई है. ठीक है, इफ दे रीच सम काइंड ऑफ अ डील तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019 का जो आया था उसके हिसाब से वैसे भी जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड जो था वो निकल के उसको यूनियन टेरिटरी स्टेटस दिया जाने वाला था. प्लस जम्मू और कश्मीर का बाइफर्केशन होने वाला था दो यूनियन टेरिटरीज में, एक JNK यूनियन टेरिटरीज, दूसरी लद्दाख यूनियन टेरिटरी. ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इसके पहले क्या होता था, जम्मू एंड कश्मीर की खुद की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी. ठीक है, तो अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गनाइजेशन बिल 2019 सेक्शन 57 के अंडर ये जो स्टेटस है वो स्टेटस हटा दिया जाएगा. ठीक है, और याद रखिए कि जो यूनियन टेरिटरीज बनेगी, जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी, सिर्फ JNK में ही एक लेजिस्लेचर खुद का होगा. ठीक है, और इसमें नहीं होगा, लद्दाख में वो नहीं होगा. और ये अभी कर दिया गया है सेक्शन 57 के अंडर, अब जम्मू एंड कश्मीर का जो काउंसिल है उसको अबॉलिश कर दिया गया है.
देन यहाँ पे हम देखते हैं स्वातंत्र्य वीर सावरकर, इनके लिए भारत रत्न की मांग की जा रही थी। हमारे जो मिनिस्टर है अमित शाह, इन्होंने ये बोला था। तो स्वातंत्र्य वीर सावरकर के बारे में हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो विनायक दामोदर सावरकर, ये इनका पूरा नाम था, वो एक हिंदू एंड इंडियन नेशनलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं एंड अ लीडिंग फिगर इन हिंदू महासभा, अ हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन महासभा, ठीक है, हिंदू महासभा एंड पॉलिटिकल पार्टी। और सावरकर, इनकी आइडियोलॉजी रिवोल्यूशनरी थी जो कि रशियन रिवोल्यूशन से इंस्पायर हुए थे, ठीक है। और सावरकर और उनके एसोसिएट्स इसी डायरेक्शन में ट्रेनिंग भी देते थे यूथ को, ठीक है। देन ही रोट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जहाँ पे उन्होंने एक इंडियन आउटलुक प्रोवाइड किया था इस वॉर को। और उन्होंने बोला था कि जो इंडियन म्यूटिनी थी 1857 की, देयर वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन मास रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड दैट वाज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और हिंदुत्व भी उन्होंने ही लिखा था, हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है वो टर्म उन्होंने कॉइन की थी, ठीक है। और उन्होंने बुक लिखी थी हु इज हिंदू 1923 में, और दिस सॉट टू डिफाइन इंडियन कल्चर एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हिंदू वैल्यूज, दिस कंसेप्ट ग्रू टू बिकम अ मेजर टेनेंट ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। तो वो रिवोल्यूशनरी थे, याद रखिए, और हिंदुत्व उन्होंने टर्म कॉइन की थी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सीधा पेज 8 पे। यहाँ पे हम देखते हैं अलायंस एयर कनेक्ट्स चेन्नई जाफना वाया मेडन फ्लाइट सर्विस। तो बस आप अभी ये याद रखिए, जाफना पोर्ट जो है, ठीक है, श्रीलंका का, उसको कनेक्ट कर दिया गया है तमिलनाडु से चेन्नई से। और हम जानते हैं कि नदन साइड श्रीलंका का जो है, जहाँ पे जाफना भी सिचुएटेड है, वो तमिल मेजोरिटी रीजन में आता है, ठीक है। और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स हमेशा से रहे हैं, तो अभी फाइनली एक डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो कनेक्ट कर दी गई है जाफना से चेन्नई के तरफ। दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं स्केलिंग किलिमंजारो विद विल ऑफ स्टील। तो यहाँ पे किलिमंजारो जो अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, वो चढ़ के गए हैं नीरज जॉर्ज बेबी, ठीक है। और इन्होंने ये किया है विद द हेल्प ऑफ क्रचेस। ये 32 ईयर्स ओल्ड के थे, अलुवा केरला से है ये। अब वन डे टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम्स में ये डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन पीक है एट 5,895, और ये कॉन्स्टेंटली स्नो कवर्ड रहता है, ठीक है। और इनको कैंसर हुआ था, जिसकी वजह से उनको लेग जो है वो एम्प्यूट करना पड़ा था, बट उन्होंने फिर भी उनका जो ड्रीम था ये पॉसिबल करके बताया। और उन्होंने दिखा दिया है कि आप फिजिकली चैलेंज्ड भी हो तो भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप जो नहीं कर सकते, ठीक है। एंड अदर देन दीज फीट्स, उन्होंने ही हैज ऑल्सो क्लिंच्ड अ गोल्ड इन बैडमिंटन डबल्स एंड अ सिल्वर इन सिंगल्स एट द 2018 एशियन पैरा कप टू गो अलॉन्ग विथ हिज टाइटल्स एट नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स, ठीक है। तो वे एक पैरा एथलीट है, ठीक है, और आप उनका नाम भी याद रखिए, नीरज जॉर्ज बेबी, जो कि केरला से है। और किलिमंजारो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। माउंट किलिमंजारो, या फिर उसको सिर्फ किलिमंजारो भी बोला जाता हैज थ्री वॉल्केनिक कोन्स, कीबो, मोवेंजी एंड शीरा, और ये तीनों ही डोरमेंट वॉल्केनोज है, और ये सिचुएटेड है तंजानिया में, ठीक है, कंट्री तंजानिया और कॉन्टिनेंट अफ्रीका। एंड इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका विद इट्स समिट अबाउट 4,900 मीटर्स फ्रॉम द बेस एंड 5,895 मीटर्स अबव सी लेवल। तो ये भी ध्यान में रखिए, वन डे टाइप ऑफ एग्जाम में आपको नाम पूछा जा सकता है कि कौन चढ़ा है, और यूपीएससी आपको ये भी पूछ सकते हैं कि अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है। यहाँ पे हम आते हैं टीबी केसेस सी डिक्रीज इन इंडिया। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स फेल बाय ऑलमोस्ट 50,000 ओवर द पास्ट ईयर्स इज WHO रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट है ये, 2019 का एडिशन है। और इंसिडेंसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन हैज डिक्रीज फ्रॉम 204 इन 2017 टू 199 इन 2018। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो टीबी पेशेंट की संख्या जो है वो कम हो गई है, बट यहाँ पे एक डाउनसाइड है, अनफॉर्चुनेटली जो भी रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। अब हम जानते हैं कि टीबी में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी होता है। अब यहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंस की जब बात करते हैं तो ये हो जाता है कि टीबी का जो बैक्टीरिया है, दैट बैक्टीरिया क्रिएट्स रेजिस्टेंट फॉर द ड्रग। तो अगर आप पेशेंट को ये ड्रग एडमिनिस्टर कर भी रहे हो तो उस ड्रग का असर उस बैक्टीरिया पे नहीं होता है।
तो उसी तरीके से अब रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है. 2017 में वैसे पेशेंट्स अगर 32% है तो 2018 में वो 46% हो गए हैं. ठीक है, बट अदर देन दैट ओवरऑल ट्रीटमेंट सक्सेस अगर देखें तो वो ट्रीटमेंट सक्सेस रेट भी बढ़ गया है टू ऑलमोस्ट 81% ऑफ फॉर न्यू एंड रिलैप्स केसेस. अब रिलैप्स केसेस मतलब जो पहली बार में ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, ऐसा लगता है कि टीबी इज इन कंट्रोल बट देन टीबी दोबारा से हो जाता है. ठीक है, ये भी केस इन केसेस में भी काफ़ी कमी हो चुकी है. एंड जो डिजीज स्ट्रेन के बारे में अभी बोला गया था तो दिस इंक्लूड्स ट्रेंड्स इन टीबी इंसिडेंसेस एंड मोर्टैलिटी, डेटा ऑन केस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट रिजल्ट्स ऑफ टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, टीबी प्रिवेंशन, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एज वेल एज फाइनेंसिंग, ये सारी चीज़ें इसमें ली गई थी. ठीक है, और अभी भी अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स टीबी रिमेन्स द टॉप इन्फेक्शियस किलर इन द वर्ल्ड क्लेमिंग ओवर 4000 लाइव्स अ डे. तो टीबी सबसे बड़ा है और टीबी ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है, याद रखिए. ठीक है, एंड इंडिया टीबी रिपोर्ट 2019 नोट्स दैट इंडिया इज क्लोजेस्ट एवर टू कवरिंग ऑल टीबी केसेस थ्रू द ऑनलाइन नोटिफिकेशन सिस्टम निक्षय. अब ये क्यों बोला गया है, पहली बात तो निक्षय पूछ सकते हैं आप, याद रखिए इट इज़ रिलेटेड टू टीबी और ये एक ऑनलाइन नोटिफिकेशन सिस्टम है. प्लस अलॉन्ग विद बीइंग अ नोटिफिकेशन सिस्टम, निक्षय के अंडर मेडिसिन जो है वो भी प्रोवाइड करी जाती है, फ्री डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट्स भी प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, और हमारा एम है यूनिवर्सल कवरेज करना है. अब इसका मतलब क्या है, तो टीबी जितने केसेस होते हैं, ठीक है, अब जैसे इंडिया में अगर 100 लोगों को टीबी हुआ है आज के दिन, रिपोर्ट सिर्फ 80 हुए हैं. ठीक है, तो ये भी हमें कम करना है, जितने केसेस हो रहे हैं उतने केसेस दर्ज होने चाहिए, उतने रिपोर्ट होने चाहिए, बिकॉज इट इज़ हाईली कंटेजियस. ठीक है, तो अभी टीबी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. टीबी इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टिपिकली अफेक्ट्स द लंग्स बट एक्स्ट्रा पर्मनेंट टीबी भी हो सकता है, मतलब इट कैन अफेक्ट अदर साइट्स ऑल्सो. देन डिजीज इज स्प्रेड वेन पीपल हु आर सिक विथ पल्मोनरी टीबी एक्सपेल द बैक्टीरिया इन टू द एयर. तो जब टीबी पेशेंट्स खांसते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, उस समय पे थ्रू द एयर ट्रैक टीबी के बैक्टीरिया बाहर आ सकते हैं और वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं. देन ओवरऑल अ रिलेटिवली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द एस्टिमेटेड 1.7 बिलियन पीपल इन्फेक्टेड विथ एम ट्यूबरकुलोसिस विल डेवलप टीबी. तो जितने लोगों के बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया चला जाता है उन सबको टीबी होगा, ऐसे नहीं होता है. टीबी को भी एक टाइम पीरियड लगता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि कुछ सालों में उसका असर दिखाई देता है. ठीक है, तो जितने लोगों में टीबी का बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस होता है और जितने लोगों में टीबी एक्चुअली हो जाता है एज अ डिजीज, वो प्रोपोर्शन काफ़ी कम है. ठीक है, और हाउएवर टीबी होने की प्रोबेबिलिटी उन लोगों में बहुत ज़्यादा है जिनमें इम्यूनिटी कम है. सो फार एज आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो टीबी का बैक्टीरिया आपके बॉडी में होके भी आपको कुछ नहीं कर सकता. इसीलिए बहुत बार बोला जाता है ना, डॉक्टर्स लोग जो भी होते हैं या फिर टीबी ट्रीटमेंट नर्सेज जो भी होती है उनको बोला जाता है कि आप अपना प्रोटीन डाइट्स काफ़ी हाई रखें ताकि इम्यूनिटी हो. ठीक है, तो जो लोग HIV वगैरह से इन्फेक्टेड होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है वो टीबी को बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं. ठीक है, फिर हम यहाँ पे आते हैं. NHRC issues notice to Odisha government. अब ये न्यूज़ क्यों आई है, क्योंकि जो डीवर्मिंग प्रोग्राम चल रहा था ओडिशा में, ठीक है, उसके अंडर 100 बच्चों को कुछ मेडिसिन दे दी गई थी. अब मेडिसिन का नाम है एल्बेंडाजोल, अब आपको याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट ये मेडिसिन थी एक्सपायर्ड जिसके वजह से काफ़ी बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई थी. तो अब NHRC ने इसके लिए नोटिस इशू कर दिया है. अब NHRC के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है, NHRC is National Human Rights Commission और it was established in 1993 under the Protection of Human Rights Act of 1993. तो ये एक statutory body है. Then it is the watchdog of human rights in the country. That is the rights related to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by Indian Constitution or embodied in the international covenants and enforceable by courts in India. तो Indian Constitution में जिस तरीके से provisions है plus international covenants, दोनों के लिए ये लागू होगा. ठीक है, अगर दोनों का ही वायोलेशन होता है आप NHRC के पास जा सकते हैं. देन इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर मेंबर्स है रिटायर्ड और वर्किंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, टू पर्संस विद प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट ह्यूमन राइट्स, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, फिर नेशनल कमीशन फॉर SCs, फॉर ST एंड फॉर वेमेन. और ये सिलेक्ट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्ट कमिटी.
और सिलेक्ट कमेटी में कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, ये पांच लोग होते हैं। ये सारी ही चीजें आपको NHRC के बारे में याद रखना जरूरी है, किसी भी चीज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एडिटोरियल्स हम अब हमेशा की तरह लास्ट में देखेंगे, यहाँ पे एक आर्टिकल देख लेते हैं, ग्रीनिंग द पावर हाउसेस। अब ये आर्टिकल किस बारे में है? तो जो जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हम जानते हैं कि अभी सामने आ रहे इसके बहुत एडवर्स इफेक्ट्स, फिर भी इंडिया में क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए जिस तरीके से प्लान्स होने चाहिए वो इंटीग्रल नहीं है हमारे सिटी या फिर टाउन प्लानिंग को, ठीक है। और अभी जो रिसेंट समिट हुआ थी C14, ठीक है, वहाँ पे हम जानते कि अरविंद केजरीवाल भी गए थे, उन्होंने दिल्ली को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। वहाँ पे भी बोला गया था कि बहुत सारे कंट्रीज है, स्टेट्स है, जो अलग अलग स्पेशल इंटरेस्ट के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और फिर वो क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको लीड नहीं करते। तो अब ऐसे केसेस में सिटी लेवल पे ही हमें इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। और द मेयर्स एट द समिट वेयर कीन बिकॉज देयर सिटीज रिप्रेजेंटेड एन एस्टिमेट ऑफ 70% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो जितनी भी सिटीज थी मैक्सिमम जहाँ पे पोल्यूशन होता है वैसे सिटीज पार्टिसिपेट करती है। दे ऑल्सो रियलाइज दैट नियरली 90% ऑफ अर्बन एरियाज आर एट हाई रिस्क फ्रॉम एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स सच एज स्टॉर्म्स बिकॉज दे आर सिचुएटेड अलॉन्ग कोस्ट लाइन, ठीक है। तो अब ऐसे केसेस में इन्हीं को हमें ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, राइट, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। अब इसको अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया बोला गया है, इट्स अ ग्रीन फील्ड अपॉर्चुनिटी। क्यों ग्रीन फील्ड अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि मच ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया रिमेन्स टू बी बिल्ट, अनलाइक सिटीज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। बाकी डेवलप्ड वर्ल्ड में जितनी भी सिटीज़ है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बाकी सब कुछ ऑलरेडी डेवलपमेंट के पीक पे पहुँच चुका है, इंडिया पे हम अभी भी स्टेप्स एक एक स्टेप्स आगे ले रहे हैं। तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि हम डायरेक्टली क्लाइमेट सेंट्रिक प्लानिंग यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी लोगों को अपना एमिशन कम करने के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें चेंज लाने पड़ रहे हैं विच इज़ मच मोर एक्सपेंसिव। हमें एनर्जी एफिशिएंसी शिफ्ट करने के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है क्योंकि हम अभी भी चीज़ें नए से बना रहे हैं, ठीक है। सो इंडिया डज नॉट हैव टू रिपीट द साइकिल एंड कैन लीप फ्रॉग एरा फ्रॉग द एरा ऑफ डर्टी फ्यूल्स, ठीक है। तो डर्टी फ्यूल्स का एरा हम टोटली स्किप कर सकते हैं, लीप फ्रॉग मतलब स्किप ही कर सकते हैं उसको, राइट। देन इंडियाज फास्ट एक्सपेंडिंग सिटीज एंड टाउन्स नीड सच फार साइटेड मेजर्स, ठीक है। अब फार साइटेड मेजर्स मतलब यहाँ पे कुछ मेजर्स दिए गए हैं, जैसे कि पब्लिक बाइक होती है, बाइसाइकिल शेयरिंग होता है, पब्लिक बाइसाइकिल शेयरिंग सिस्टम होता है। देन हांगकॉन्ग इज रेडी टू हार्वेस्ट सुपर टाइफून्स इन न्यू ड्रेनेज टनल डेट विल रियूज रेन वाटर एंड ग्रो बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो मतलब ये वाटर मैनेजमेंट की तरफ आ गया। देन सिंगापुर विल पुट अ प्राइस ऑन कार्बन। देन नोवो नॉर्डिस्क अ हेल्थ केयर कंपनी वॉन्ट्स टू पार्टनर विद मेयर्स ऑन इट्स सिटीज चेंजिंग डायबिटीज प्रोग्राम। तो हेल्थ रिलेटेड चेंजेस भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो डेवलप्ड कंट्रीज में हो रही है, जिस तरीके से इंडिया की सिटीज फास्ट एक्सपेंडिंग है, ठीक है, वी ऑल्सो नीड सच फार साइटेड मेजर्स। बट टूडे क्लाइमेट चेंज इज नॉट इंटीग्रल टू देयर प्लानिंग डिस्पाइट द रिस्क टू रेसिडेंट्स एंड इकोनॉमिक एसेट्स, ठीक है। हम जानते हैं कितनी रिस्क है और इंडिया बींग अ पेनिनसुलर कंट्री मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी भी कोस्टल एरिया में रहती है, ठीक है। तो आने वाले काफ़ी डेकेड्स में ये होने वाला है कि माइग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को अगर काउंटर करना है तो एक्टिव एफर्ट्स ज़रूरी है। एट द C40 समिट कोलकाता बैक्ड द अवार्ड फॉर ग्रीन मोबिलिटी एंड दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इन्फॉर्म्ड द डेलीगेट्स दैट द नेशनल कैपिटल वॉज कटिंग एमिशन बाय इंडक्टिंग 1000 इलेक्ट्रिक बसेस, प्लांटिंग ट्रीज ऑन अ मैसिव स्केल एंड एलिमिनेटिंग द यूज ऑफ डेंजरस इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, ये पूछा जा सकता है वनडे टाइप ऑफ एग्जाम्स में कि या तो कोलकाता ने अभी रिसेंटली क्या जीता है या फिर C40 समिट में अवार्ड फ्रॉम ग्रीन मोबिलिटी किसको मिला है, ठीक है। तो वो कोलकाता को ही मिला है। देन इन 2020 का जो पेरिस फ्रेमवर्क बना था इट विल एंटर इन इट्स एक्टिव फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो वो 2020 में हो जाएगा एंड फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज विल बी एक्सपेक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एफर्ट्स एट ग्रीनिंग देयर इकोनॉमीज। एंड अब इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग कंट्री है तो वी विल ऑल्सो बी एक्सपेक्टेड, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट अ थ्रेट। इंडियाज अर्बनाइजेशन शुड मूव अ ट्रेजेक्टरी ऑफ लो एमिशन रिफ्लेक्टेड इन अर्बन गवर्नेंस दैट इंसेंटिवाइजेज इको फ्रेंडली डिज़ाइन, ठीक है। तो हमारे प्लानिंग में ही इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए कि लीस्ट एमिशन हो, ठीक है, जितना हो सके उतना ज़्यादा हम इकोलॉजी को जो है वो बचा सके। तो C40 समिट के बारे में क्विकली देख लेते हैं। द समिट कनेक्ट्स मोर देन 94 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सिटीज
the cities constitute to more than 700 million population, which is 1/4 of the total global economy. The mayors of these cities are dedicated in delivering the goal of Paris Agreement. The 2019 marks 14 years establishment of the C40 leadership group. Organization takes its climate action through city-to-city collaboration. इसलिए जितने भी mayors होते हैं, chiefs होते हैं city के, उनको इसमें बुलाया जाता है, ठीक है? फिर यहाँ पे हम आते हैं, financial action task force may keep Pakistan on a grey list, ठीक है? तो Pakistan already एक तो grey list पे था ही, बात चल रही थी कि पाकिस्तान को शायद ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, बट अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप है, जो रिव्यू करता है कि जो भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नॉर्म्स थे, ठीक है, उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, जो भी वार्निंग्स दी गई थी, जो भी पैरामीटर्स दिए गए थे फॉलो करने के लिए, वो किए जा रहे हैं या नहीं, ठीक है. दे डिस्कस्ड पाकिस्तान्स एक्शन फॉर द काउंटरिंग टेरर फाइनेंसिंग एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दैट इज CFT और AML, ठीक है. ये भी बात है कि उन्होंने इसको रिव्यू किया है और उन्होंने ये देखा है कि थोड़े पॉजिटिव एफर्ट्स हो रहे हैं. अदर देन दैट क्यों नहीं कर सकते है? क्योंकि वैसे भी चाइना, टर्की एंड मलेशिया, इन्होंने पहले भी पाकिस्तान के ब्लैक लिस्टिंग को अपोज किया था, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, और चांसेस यही है कि अभी भी वैसे ही होगा. और पाकिस्तान को अभी नेशनल रिस्क रेटिंग में मीडियम पे रखा गया है, ठीक है. और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का R1267 था, ठीक है, रेजोल्यूशन 1267, उसको पाकिस्तान अभी भी फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, जो कि टेररिज्म कर्ब करने की बात करता है, राइट. एंड देन पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू बी केप्ट अंडर सिग्निफिकेंट एंड सस्टेन्ड प्रेशर टू डिलीवर ऑन 27-पॉइंट एक्शन प्लान. तो ये एक्शन प्लान FATF ने ही ले डाउन किया था और उसको 2020 तक मॉनिटर किया जाएगा whether पाकिस्तान फॉलोज और नॉट, ठीक है. तो अभी यहाँ पे FATF के बारे में क्विकली देख लेते हैं. इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एस्टेब्लिश्ड इन 1989 ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द G7. इट इज अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी विच वर्क्स टू जनरेट द नेसेसरी पॉलिटिकल विल टू ब्रिंग अबाउट नेशनल लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स इन वेरियस एरियाज. FATF सेक्रेटरिएट इज हाउस्ड एट OECD हेडक्वार्टर्स इन पेरिस. देन इसके फंक्शंस क्या है? द FATF मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ इट्स मेंबर्स इन इम्प्लीमेंटिंग नेसेसरी मेजर्स, reviews money laundering and terror financing techniques and countermeasures and promotes the adoption and implementation of appropriate measures globally. जो कि अभी पाकिस्तान के केस में ये सारी चीज़ें रिव्यू की जा रही है, ठीक है. देन इट मेंटेन्स टू डिफरेंट लिस्ट ऑफ कंट्रीज, एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट, ठीक है. और दोज हु हैव डेफिशियंसीज इन AML एंड CTF, जो अभी हमने देखा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग टेरर फाइनेंसिंग रिजीम्स, ठीक है. बट दे कमिट टू एन एक्शन प्लान. अभी डेफिशियंसीज तो हैं उनमें, बट दे आर कमिटिंग टू अ प्लान कि ये डेफिशियंसीज और लूप होल्स को वो भर के निकाले, ठीक है. बट वो होता है, और ये हो गया एक ग्रुप. और दूसरा ग्रुप होता है कि दे डू नॉट एंड अप डूइंग इनफ. पहला ग्रुप है कि जो पूरी पूरी कोशिश करती है, दूसरा ग्रुप है जो नहीं करते हैं. द फॉर्मर इज कॉमनली नोन एज द ग्रे लिस्ट और द लेटर इज नोन एज द ब्लैक लिस्ट, ठीक है. तो अभी बात वही चल रही थी कि पाकिस्तान को हमें उस लिस्ट में डालना चाहिए हु डू नॉट एंड अप डूइंग इनफ. And when the country is blacklisted, FATF calls on other countries to apply enhanced due diligence and countermeasures, increasing the cost of doing business with the country and sometimes bilkul hi business nahi karne dete hain, theek hai. To financial burden bahut zyada ho jayega. As of now there are only two countries in the blacklist, ek hai Iran aur dusra hai North Korea, and 7 countries are on the grey list, jisme se Pakistan, Sri Lanka, Syria aur Yemen bhi members hai, theek hai. उनको ग्रे लिस्ट कर दिया गया. इवन ग्रे लिस्ट में भी जब होते हैं तब फाइनेंशियल बर्डन्स होते हैं, बट ब्लैक लिस्ट में वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं. देन नेक्स्ट हम देखते हैं, पिलग्रिम्स टू करतारपुर विल हैव टू अंडरगो सिक्योरिटी चेक. अब करतारपुर कॉरिडोर जो है वो बोला जा रहा है 8 नवंबर के आसपास इसको ओपन किया जाएगा. फर्स्ट बैच जो है वो विजिट करेगी. अब सिक्योरिटी इशूज यही इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वापस आते वक्त दे विल बी कमिंग फ्रॉम बैक फ्रॉम पाकिस्तान, और इंडियन गवर्नमेंट का ऑलरेडी एक थोड़ा सा डर है ये कि पाकिस्तान माइट प्रोमोट सम काइंड ऑफ अजेंडा वहाँ पे, ठीक है. पता चला प्रो खालिस्तानी और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भर के उनको भेज रहे हैं, राइट. एम्यूनिशन स्मगल कर रहे हैं, फिर ड्रग्स स्मगल कराए जा रहे हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो सिख पिलग्रिम्स जो है दे विल बी अलाउड टू कैरी किरपांस, विच इज़ वन ऑफ द 5 आर्टिकल्स ऑफ फेथ वन बाय 6, बट मोबाइल फोन्स विल बी स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड. और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होंगे वो यहाँ की सिक्योरिटी के लिए डेजिग्नेट किए जा रहे हैं, ठीक है. और पाकिस्तान ने एक तो ये भी बोला है कि वो फीस लिवाई करेगा ऑलमोस्ट 1,000
फॉर 20 rupees ऑन द पिलग्रिम्स, जो कि ये बोला है इंडिया ने कि दीज आर डिवोटीज, तो आपको ये नहीं करना चाहिए. इंडिया ऑलरेडी अपना शेयर जो है वो पे कर रहा है, ठीक है. और ये फर्स्ट बैच ऑफ पिलग्रिम जो है 8 नवंबर के आसपास जाएगी और पासपोर्ट इनको लगेगा डेफिनेटली एज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, और नेशनैलिटी का डॉक्यूमेंट. एंड इंडिया हैड ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड कंसर्न दैट द कॉरिडोर कुड बी यूज्ड बाय पाकिस्तान टू जनरेट एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, ठीक है. अब यहाँ पे हम क्विकली देख लेते हैं करतारपुर कॉरिडोर के बारे में. तो करतारपुर गुरुद्वारा जिसे बोला जा रहा है, इट्स अ रिवर्ड श्राइन अक्रॉस द बॉर्डर वेयर गुरु नानक देव द फाउंडर ऑफ सिखिज्म स्पेंट लास्ट 18 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ. इसलिए आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आ जाएगा सिखों के लिए. द कॉरिडोर विल कनेक्ट द होली श्राइन्स ऑफ डेरा बाबा नानक साहिब इन गुरदारपुर गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इन इंडिया विथ गुरुद्वारा दरबार साहिब इन करतारपुर इन पाकिस्तान, ठीक है. और 4 kilometers ऑलमोस्ट इसकी लेंथ होगी एंड द कॉरिडोर विल कमोमोरेट द 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव. तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है. अदर देन दैट क्या है ना, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस सुधारने के लिए भी ये एक स्टेप आगे हो जाएगा. अब ये भी ब्रेग्जिट के ही बारे में दिया हुआ है यहाँ पे. पहले तो हम जानते हैं कि बहुत बार जो नो डील ब्रेग्जिट की बात चल रही थी, ठीक है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ कोई डील जो है वो पहुंच नहीं पा रही थी और जो भी डील्स हो रही थी उसको पार्लियामेंट में रिजेक्ट कर दिया जा रहा था. तो अभी देर इज़ अ चांस कि ये चीज़ होगी, ठीक है. और जो डील अभी प्रपोज की गई है अगर पार्लियामेंट में उसको बैकिंग मिलता है तो 31 अक्टूबर को ब्रेग्जिट हो जाएगा, अगर लेजिस्लेशन तब तक बन जाए तो. और अगर लेजिस्लेशन रेडी नहीं हुआ, ठीक है, तो यूके डीले के लिए मांगेगा यूरोपियन यूनियन से ब्रेग्जिट को डीले करने के लिए. अगर अप्रूव हुआ तो भी ब्रेग्जिट होगा विथ डील होगा, अप्रूव नहीं हुआ तो ब्रेग्जिट होगा विदाउट डील, ठीक है. और अगर पार्लियामेंट रिजेक्ट ही कर देता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट विल आस्क फॉर डीले और डीले के लिए मांग लिया तो फिर से यही हो जाएगा कि यूरोपियन यूनियन ने अगर डीले रिजेक्ट किया तो नो डील एग्जिट हो जाएगा, ठीक है. और अगर अप्रूव किया डीले तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि फिर से एक और डील के तरफ हम वो लोग पहुंच जाए और फिर ब्रेग्जिट विद डील हो, ठीक है. तो इसका असर काफ़ी एक्चुअली डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह पे भी पड़ेगा, इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा. एक तो ब्रेग्जिट होगा तो शुरुआत में ये होगा ना कि यूके का जो मार्केट साइज है, जो ट्रेडिंग साइज है, वो भी सिग्निफिकेंटली थोड़ा कम हो जाएगा. देन पाउंड की कीमत जो है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी, राइट. देन फॉर नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं, फॉर FMCG रूरल ग्रोथ वर्स्ट इन 7 years. तो FMCG जो है दैट इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, तो FMCG इंडस्ट्री जो है उनके सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं. तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट स्टडी जो नीलसन ग्रुप ने निकाली है, रूरल मार्केट ग्रू एट 5% इन द क्वार्टर एंडेड September 30, लोअर दैन द अर्बन मार्केट ग्रोथ रेट ऑफ 8%, ठीक है. तो यूजुअली अर्बन मार्केट ग्रोथ से हम बहुत ज़्यादा ही होता है, राइट, बट अभी अर्बन मार्केट रेट से काफ़ी कम हो गया. तो हम FMCGs के बारे में क्विकली देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा. फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आर द प्रोडक्ट्स दैट आर सोल्ड क्विकली एंड एट अ रिलेटिवली लो कॉस्ट. तो किराना दुकान में जो हम रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं बेसिकली वो FMCGs में आती है, ठीक है. एग्जाम्पल इंक्लूड नॉन ड्यूरेबल हाउस होल्ड गुड्स सच एज पैकेज्ड फूड्स, बेवरेजेस, टॉयलेटरीज, ओवर द काउंटर ड्रग्स एंड अदर कंज्यूमेबल्स जो क्विक कंज्यूमेबल्स होते हैं, ठीक है. इसलिए एक तो उनको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोला जाता है, वो कंज्यूम भी जल्दी होते हैं और उनकी डिमांड भी जल्दी बढ़ती है. और जब रूरल एरिया की बात होती है, हम जानते हैं रूरल पॉपुलेशन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, इसलिए सिग्निफिकेंस क्या है तो हमें रूरल ग्रोथ के हिसाब से पता चलता है कि लोगों तक इस गुड का रीच कितना है, ठीक है. तो अभी इट इज़ वर्स्ट इन दी 7 years ये जो ग्रोथ है, ठीक है. एंड दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स. और जो एडिटोरियल्स हैं वो अभी हम आगे देखते हैं, न्यूज़ तो इतनी है. तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं एडिटोरियल के सेक्शन पे. यहाँ पे जो हमारा पहला एडिटोरियल है अवेटिंग द वर्डिक्ट अयोध्या केस के ऊपर है, ठीक है. अयोध्या डिस्प्यूट जो है बाबरी मस्जिद और अयोध्या के टेंपल के बीच में, तो फिर उसी के बारे में है ये आर्टिकल. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं है. अब यहाँ पे एडिटोरियल इसके वजह से आया है कि 40 दिन तक अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है और ऐसे कहा जा रहा है कि विद इन अ मंथ इसका शायद वर्डिक्ट आ सकता है. तो हम तभी देखेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट देता है. तो इस एडिटोरियल में ऑथर का वही कहना है कि अब हमारी कंट्री की सिक्युलैरिटी को मेंटेन रखना चाहिए और दोनों पार्टीज के बीच में से एक
मीडिएशन करना चाहिए और बीच में से एक वे निकालना चाहिए ताकि वॉयलेंस ना हो, रायट्स ना हो कुछ भी, और पीसफुली सब कुछ हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए. दैट्स इट एंड नथिंग एल्स. और यहाँ पे जो दूसरा आर्टिकल है हमारा लीड आर्टिकल जो है, वाइटल एडिशंस टू एम्पिरिकल रिसर्च. ऑलराइट, तो अभी जो नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स में, उसी के बारे में ये आर्टिकल है. और जिन्हें प्राइज़ मिला है उनका जो मॉडल था रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, उसी के ऊपर ये पूरा एडिटोरियल बेस्ड है. तो हम देख लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे हमें जो चीज़ बिल्कुल लर्न करनी है, बाय हार्ट करनी है, वो ये है कि नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स किसे मिला था 2019 का. तो वो मिला था अभिजीत बैनर्जी, एस्टर डफलो एंड माइकल क्रेमर. ठीक है, तो आपको ये तीन नाम बिल्कुल याद ही होने चाहिए. और अभिजीत बैनर्जी एंड एस्टर डफलो ये कपल है, और माइकल क्रेमर. तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी कपल को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है. तो फिर ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा. और अब यहाँ पे हम जान लेते हैं इनका जो मॉडल था ये क्या था. रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स जो है इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ये पहली बार ऐसे हुआ है कि इकोनॉमिक थीरीज आती है बहुत ज़्यादा. अब ऐसे प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स टाइप का ये एक एग्जाम्पल हो गया रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल सिस्टम. अब 1990s तक के ये एक वेल नोन कॉन्सेप्ट था, पर वही है कि वो एक पार्ट था थियोरेटिकल इकोनॉमिक्स का, पर अब इसे प्रैक्टिकली इनकी कंपनी जो थी उन्होंने अप्लाई किया हर जगह. ऑलराइट, तो हम देख लेते हैं रैंडमाइज कंट्रोल सिस्टम है क्या, ट्रायल्स क्या है. तो यहाँ पर क्या होता है कि यू सेलेक्ट टू ग्रुप्स दैट आर सिमिलर. दो सिमिलर ग्रुप्स को आपको लेना है, और उसमें से एक ग्रुप को, जैसे मेडिकल टेस्टिंग होती है कि किसी एक को दवाई दी जाएगी, या फिर जो पॉलिसीज़ है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सारी प्रोवाइड की जाएंगी, और एक ग्रुप को नहीं दिया जाएगा. और फिर उन दोनों के बीच में कंपेरिजन होगा कि किस तरह से फ़र्क पड़ रहा है, और उसके हिसाब से फिर हमें रिजल्ट्स मिलेंगे. ऑलराइट, तो कितना पॉजिटिव है, नेगेटिव है. तो ये मेथड जो है इसने काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है पॉलिसीज़ कैसे वर्क कर सकती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑलराइट, तो दो ग्रुप्स लिए जाएंगे, फिर एक को प्रोवाइड किया जाएगा, फिर एक को नहीं. फिर जिस तरह से उनके रिजल्ट आएंगे वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं देखने के लिए कि हमें किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, या फिर कौन सी चीज़ें गलत जा रही है. ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों दिए हैं, तो हम एक एक करके पूरा देख लेते हैं. अब यहाँ पे एक्चुअली जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स जो है, इसकी आइडिया जो थी माइकल क्रेमर, जो केनिया के स्कूल में एक एनजीओ था, वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा वहाँ पे कोशिश की थी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स लाने की. तो वही उन्हें एक रैंडमली ये आइडिया आ गया, और उन्होंने उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया. फिर उसके बाद जो है मिस्टर बैनर्जी और मिसेस डफलो, उन्होंने मैनी ऑफ देयर कॉलीग्स, मतलब उन्होंने और उनके जो कॉलीग्स हैं, इन्होंने मिलके एकेडमिक एंड पॉलिसी वर्ल्ड में इस मेथड को लाने की कोशिश की, जिसे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. और ये मेन टूल हो जाता है कि जिससे हम बाकी की कई सारी चीज़ों को जज कर सकते हैं. ऑलराइट, अब यहाँ पे जो है, अब जैसे कि ये रैंडमाइज कंट्रोल सिस्टम आ गया, फिर उसके बाद अलग अलग कई सारे कंट्रीज़ में इसे कोशिश की गई इसे यूज़ करने की. अब जैसे कि वर्ल्ड बैंक में भी इसे यूज़ किया गया, कई सारे एनजीओज हैं उन्होंने यूज़ किया गया, तो फिर ये बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट आया था उसका. ऑलराइट, अब यहाँ पे उसके एक्चुअली जो मेन वरी है इस चीज़ में ये है कि जिस तरह से इसको यूज़ करते हैं, या फिर जिस तरीके से जज किया जाता है, उसमें 100% हमें, मतलब जो हर एक आउटकम हो सकता है. ठीक है, अब दो लोगों को आपने सारी चीज़ें, मतलब दो लोगों में से किसी एक को आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है. ऑलराइट, पर जिस तरीके से आप प्रोवाइड कर रहे हो, आप ये नहीं जान सकते कि उसे और कुछ आप इम्प्रूव कर सकते हो क्या, या फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती, सिर्फ रिज़ल्ट देखा जाता है. ठीक है, कि इसे प्रोवाइड किया गया तो इसका रिज़ल्ट क्या आया, और जिसे प्रोवाइड नहीं किया उसकी लाइफ पे क्या, किस तरह से असर हुआ है. तो यहाँ पे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसमें इनोवेशन की कमी है. ऑलराइट, कि इसमें इनोवेशन नहीं होता, एक इमेजिनेशन नहीं होता कि किस तरह से लाइफ बेटर की जा सकती है. तो हमें यही कोशिश करनी है
और बेसिकली इस आर्टिकल में यही कहना है, और अलग अलग एनवायरनमेंट में ये चीज़ें किस तरह से वर्क की जा सकती है ये भी नहीं समझ में आता, ठीक है। तो यही लिमिटेशन है, प्लस इसके पॉजिटिव साइड्स भी है, हमें वो इग्नोर नहीं करने हैं कि हमें काफ़ी इजीली पता चल जाता है कि ये पॉलिसी किस तरह से वर्क कर रही है किसी एक इंसान के ऊपर। ऑलराइट, तो फिर ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, ये आप खुद से भी एक बार पढ़िएगा, एक आदत डालना भी ज़रूरी होता है पढ़ने की एडिटोरियल्स। आप ये नोबेल पीस प्राइज़ जिन्हें मिला है इनके नाम याद रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 100% इसके ऊपर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से जो कास्ट डिलेमा है, यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस, अब यही चीज़ें सारा पॉलिटिक्स है इसमें कि अब कास्ट की जो माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटीज़ है उनको यूज़ करके किस तरह से पॉलिटिक्स में खेला जाता है या फिर फ़ायदा उठाया जाता है, यही सारी चीज़ें उस आर्टिकल में। इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर आर एग्ज़ाम्स एट ऑल। और यहाँ पे सेकेंडरी मानसून, अब हमारे यहाँ पे मानसून की बात की गई है, अब यहाँ पे इस बार का जो इंडियन मानसून था उसे कहा गया है इंडियाज मोस्ट टोरेंशियल मानसून इन ए क्वार्टर सेंचुरी, ठीक है, इंडियाज मोस्ट टोरेंशियल मानसून इन ए क्वार्टर सेंचुरी। और अब ऑफिशियली मानसून ख़त्म हो चुका है वेनसडे को। ये मानसून बहुत ज़्यादा डिलेड भी था, और सॉरी मतलब इस ये मानसून सबसे ज़्यादा लेट ख़त्म हुआ है, ठीक है, मोस्ट डिलेड विड्रॉवल ऑफ मानसून है ये सिंस 1961, ठीक है। और मानसून की जो मतलब रेन कॉन्ट्रीब्यूटेड अबाउट 20% ऑफ द इंडियाज एनुअल रेनफॉल, ये नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की बात चल रही है। अब इंडिया में दो तरह के मानसून होते हैं, या आप सबको पता होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न मानसून जो है दैट इज़ रिट्रीटिंग मानसून, और जो साउथ वेस्टर्न मानसून है जिसे एडवांसिंग मानसून भी कहा जाता है, जो अरेबियन सी के ऊपर से आता है, ठीक है। तो फिर ये एक टाइप हो गया मानसून का, प्लस जो नॉर्थ वेस्टर्न मानसून होता है दैट इज़ विंटर रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। तो फिर अभी ये जो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून है वो भी आएगा, और अब यहाँ पे एक्चुअली इस आर्टिकल का पूरा पॉइंट ये है कि मानसून के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, साउथ वेस्टर्न जो मानसून है उसके बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के बारे में थोड़ी कम है, तो हमें दोनों ही मानसून के बारे में ठीक तरह से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से इस बार का मानसून वॉज ऑन टाइम और 15% ज़्यादा बारिश हुई है जो एवरेज है बेसिक उससे, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्लस इस बार हमारे यहाँ पे फ्लड्स की प्रॉब्लम हर जगह हुई है, और यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो अभी विंटर रिट्रीटिंग मानसून होगा, नॉर्थ वेस्टर्न जो मानसून होगा वो भी टाइम पे ही आएगा, तो फिर से यहाँ पे फ्लडिंग की सिचुएशन होने वाली है बहुत ज़्यादा। तो इसी के वजह से हमें स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं या फिर क्या क्या फिनोमेना हो रहे हैं, ठीक है। अब मानसून का बेसिक जो हमारा क्या कह सकते हैं कि एक फेनोमेनॉन जो होता है दैट इज़, अब मानसून क्या है तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है, ठीक है। इंडियन मानसून जो है दैट इज़ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। अब विंड जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के टूवर्ड्स जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टिबेटन प्लेट्यू है वहाँ पे एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो ये मैं नॉर्थ वेस्टर्न मानसून की बात कर रही हूँ। नॉर्थ वेस्टर्न मानसून जब आता है दैट इज़ विंटर रिट्रीटिंग मानसून, टिबेटन प्लेट्यू की वजह से आता है, तो टिबेटन प्लेट्यू के ऊपर एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ से विंड सारी हमारी जो साउथ इंडिया जो रीजन है हमारा वहाँ पे सारी विंड्स आती है, क्योंकि वहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है कंपैरेटिवली, क्योंकि तिबेटन प्लेटू बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो सारी विंड्स नीचे आ जाती हैं और यहाँ पे बारिश आ जाती है। ऑलराइट, तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश होती है। तो फिर अब यहाँ पे कई सारे फेनोमेनॉन हैं इसके। अब एल नीनो जो है, एल नीनो का मतलब क्या है, तो एल नीनो इज़ अ पार्ट ऑफ रूटीन क्लाइमेट पैटर्न दैट अकर्स व्हेन सी सरफेस टेम्परेचर। अब सी सरफेस टेम्परेचर जो है ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में वो राइज होता है अबाउ नॉर्मल लेवल्स, ठीक है। अब नॉर्मल लेवल जो होता है उससे कई ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है,
और एल नीनो के अपोजिट है ला नीना। अब ला नीना में क्या होता है कि बिल्कुल लो पॉसिबल टेम्परेचर जो कि हो सकता है उतना चला जाता है, और नॉर्मल सी लेवल, तो उसके वजह से भी लो प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर के टूवर्ड्स विंड फ्लो होना शुरू हो जाता है, और फिर बारिश होती है। तो फिर ये मॉनसून के फेनोमेनाज, ये दो तीन चीज़ें हैं, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, एल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब हम ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पे फिर से ग्लोबल स्लोडाउन के ऊपर ये आर्टिकल आया है। अब हम इसे बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं, हम फिर से एक बार देख लेते हैं। अब ग्लोबल स्लोडाउन जैसे कि हमारी वर्ल्ड में चल ही रहा है, तो अभी जैसे कि कुछ दिनों पहले IMF का या फिर कई सारी जो बड़ी बड़ी एजेंसीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, वो कह ही रही है कि ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है, तो उसका बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट है या फिर जो असर है वो इमर्जिंग इकोनॉमीज पे पड़ने वाला है, जैसे कि इंडिया और ब्राज़ील। इंडिया और ब्राज़ील का नाम स्पेसिफिकली लिया गया है, तो इंडिया को उसके ऊपर भी ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम देख लेते हैं कि स्लो डाउन हुआ क्यों है। अब इसकी जो बेसिक रीजंस है वो है ट्रेड स्लो डाउन, कि ट्रेड में स्लो डाउन आ चुका है, प्लस प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज ऑफ इकोनॉमीज। ठीक है, अब वर्ल्ड की जो लीडिंग इकोनॉमीज है, अब जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं कि USA में जैसे कि अब ट्रम्प है, तो उनकी जो पॉलिसी है कि USA फर्स्ट, ठीक है, तो ये एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी हो गई, या फिर लोकलाइजेशन पॉलिसी हो गई, कि मतलब लोकलाइजेशन मेंटालिटी मतलब पुटिंग योर कंट्री फर्स्ट और लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना, या फिर उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज लाना जो कि बाकी के मतलब बाकी वर्ल्ड के लिए या फिर बाकी की सारी हमारी ट्रेड की एग्रीमेंट्स जो होते हैं उनके लिए हार्मफुल साबित होती है। ठीक है, और USA चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और इंडिया में क्यों स्लो डाउन हो रहा है, तो इंडिया का स्लो डाउन का 1.5% मतलब हमारा जो स्लो डाउन चल रहा है, हमारे हमारा जितना ग्रोथ रेट कम हुआ है उसमें से 1.5% तो पूरा ग्लोबल इम्पैक्ट्स के वजह से ही हो रहा है, तो 1.5% तो हमारे वैसे ही कम हो गए, और फिर बाकी का जो हमारा घटा है, जो GDP घटा है या फिर हमारी जो ग्रोथ रेट घटी है, उसका रीज़न है कि डोमेस्टिक फैक्टर्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन। मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन आ चुका है क्योंकि कंजम्पशन कम हो गया है, कंजम्पशन ही कम हो गया है तो मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, प्लस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है NBFCs के की जो प्रॉब्लम चल रही है कि कैपिटल इनफ्लो NBFCs ही देती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से ही मोस्टली फंडिंग आती है, तो अब वहाँ से कैपिटल का फ्लो नहीं हो रहा है, तो वो एक अलग प्रॉब्लम है। प्लस अब यहाँ पे अगर हम देखें कि जिस तरह से हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रॉब्लम्स है अब स्लो डाउन की वजह से, तो जॉब के लॉसेस हो रहे हैं, तो फिर जॉब करने के लिए जो लेबरर्स माइग्रेशन करके आते हैं, तो फिर वो माइग्रेंट्स अब वापस जा रहे हैं, तो अब वो वापस जा रहे हैं वहाँ पे उनको जॉब नहीं मिलेगी, और फिर से कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो ये सारी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, और ये एक स्ट्रक्चरल मतलब एक साइक्लिकल फेनोमेनॉन है, और स्ट्रक्चरल भी पॉसिबिलिटीज है इसमें होने की। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल में हम डिफरेंस बहुत बार देख चुके हैं। अब साइक्लिकल मतलब एक चीज़ हो रही है उसकी वजह से दूसरी चीज़ के ऊपर फर्क पड़ रहा है, और स्ट्रक्चरल मतलब अब जैसे कि इकोनॉमी में इकोनॉमी नॉर्मल चल रही है ऑलराइट, पर अब किसी एक कंपनी का आप एग्जांपल ले लीजिए, वो एक कंपनी नॉर्मल चल रही है, पर फिर उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी आ गई ऑलराइट, तो फिर अब नई टेक्नोलॉजी आ गई तो आपको आपके ट्रेनर्स को मतलब वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, तो फिर आपको ट्रेनर्स को लाना पड़ेगा, तो ये जो सारी चीज़ें होती है ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, कि आपके पास वर्कर्स तो है पर वो क्वालिफाइड नहीं है ऐसे टाइप का। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है हमारी इकोनॉमीज में। तो अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि सोशल स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, लोगों के हाथ में पैसे आने चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनके हाथ में। अब जैसे कि कॉरपोरेट टैक्स रेट कम कर दिया है, तो अब कॉरपोरेट्स मतलब वो बड़ी बड़ी कंपनीज हो गए, अब वो अपने पैसे बचाएंगे, ठीक है वो बात अलग है कि वो और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं फिर, बट पुअर पीपल के हाथ में ज़्यादा मनी आना चाहिए, उसके बाद कुछ असर दिख सकता है।
ठीक है, फिर उसके बाद वेस्टर्न मार्केट्स की तरफ ना देखते हुए हमें ईस्टर्न मार्केट्स की तरफ देखना चाहिए, जैसे कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है हमारी साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, तो हमें उन्हें देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ वेस्टर्न मार्केट्स, और हमें हमारे एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑलराइट, तो फिर इस आर्टिकल में तो इतना ही था। So I think we are done for the day, guys. Thank you for listening. Please do like, share and subscribe to our channel Holistic Facts. Thank you.